जौनपुर की मल्हनी विधानसभा पूर्वांचल ही नहीं बल्कि प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी। यहां से बाहुबली धनंजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे। जदयू ने धनंजय सिंह को उम्मीदवार बनाया था। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लकी यादव से था। बीजेपी ने इस सीट से पूर्व सांसद केपी सिंह को टिकट दिया था। मल्हनी विधानसभा में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन चुनावी निष्कर्ष में सपा के लकी यादव ने धनंजय सिंह को 17,527 वोट से चुनाव हरा दिया। जनमत को स्वीकार करते हुए धनंजय सिंह ने मल्हनी की जनता को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि फिजाओं से सहमना मेरी फितरत में नहीं, धनंजय हूँ, लौट कर आऊँगा जरूर। मल्हनी की जनता को कोटि कोटि प्रणाम। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव में धनंजय सिंह को हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ वो लगातार तीसरा विधानसभा चुनाव हार गए। 2017 में पारसनाथ यादव ने धनंजय सिंह को लगभग 20,000 वोट के अंतर से चुनाव हराया था। पारसनाथ यादव के निधन के बाद मल्हनी विधानसभा में उपचुनाव हुए। उपचुनाव में उनके बेटे लकी यादव ने धनंजय सिंह को लगभग 5,000 वोट के अंतर से चुनाव हराया था। बीजेपी खिलाएगी कमल या एसपी की चलेगी साइकिल, पार्टी पहुंचेगा सत्ता के शिखर तक या कांग्रेस के पंजे में आएगी सत्ता, क्या है यूपी की चाहत, देखिए जय भारत।